हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्ट्रेट कैसे बनाएं। पोर्ट्रेट बनाते वक्त कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, पोर्ट्रेट ड्राइंग की प्रैक्टिस किस तरह से करना चाहिए, बहुत ही सिंपलीफाई करके आपको बताने वाला हूं, जिसे आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। जब कोई बिगनर्स इंटरनेट पर जाता है और सर्च करता है हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, तब कई सारे रूल्स हमारे सामने आ जाता है, जैसे कि लूमिस मेथड आपको ये हेल्प करेगा कि ये जो फेस में आइस कहाँ पर आएगा, नोज कहाँ पर आएगा, ये इस तरह का हेल्प कर सकता है। एक बेसिक प्रोपोर्शन आपको देगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके थ्रू आप किसी फेस का कैरेक्टर मिला पाएंगे। कैरेक्टर मिलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है ऑब्जर्वेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हेल्प नहीं करेगा, लूमिस मेथड हेल्प करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए। आप कई सारे कार्टून ड्राइंग देखे होंगे, हमको लगता है यहाँ तो लूमिस मेथड का कोई यूज नहीं है, यहाँ एनाटोमी का कोई यूज नहीं है, फिर भी फेस में एक कैरेक्टर आ जाता है और हमको पता लग जाता है, अरे ये तो वही है। ज़्यादातर बिगनर्स का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो लूमिस मेथड का यूज तो करते हैं, लेकिन फेस का जो कैरेक्टर है वहाँ पर फोकस नहीं देते। और कुछ बिगनर्स का प्रॉब्लम रहता है कि वो ड्राइंग तो बना लेते हैं लेकिन लूमिस मेथड का यूज नहीं करते, इसके वजह से पोर्ट्रेट का बेसिक प्रोपोर्शन ही सही नहीं रहता। इसीलिए लूमिस मेथड के साथ साथ ऑब्जर्वेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फर्स्ट एक राउंड शेप लेते हैं, फिर एक लाइन। इस राउंड एंड लाइन को बेहतर बनाने के लिए इस तरह से प्रैक्टिस करके हैंड को स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि पोर्ट्रेट बनाने में हेल्प करे। चलो मान लेते हैं आप पेंसिल का एक ही स्ट्रोक में बेहतर राउंड शेप बना पाते हो और लाइन बना पाते हो, आपका हैंड बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन इसे लेकर क्या आएगा, अच्छा पोर्ट्रेट बन पाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत वो रैपिड वाला स्केच बन सकता है, लेकिन अच्छा पोर्ट्रेट बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन तो लाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक JCP है और इसका जो हैंड है बहुत स्ट्रांग है, बड़े मुश्किल काम को भी आसानी से बना देता है, लेकिन तब जब अंदर में बैठा हुआ ड्राइवर का ऑब्जर्वेशन सही हो। एक स्ट्रांग हैंड भी तो माइंड के ऑब्जर्वेशन से चलता है। देखिए, अगर ऑब्जर्वेशन में कमी है, चाहे आप कितना भी लूमिस मेथड यूज कर लो, कितना भी हैंड स्ट्रांग हो, फ्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस वीडियो बनाने का पर्पज लूमिस मेथड को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि लूमिस मेथड को यूज करने के बाद हमें जो बेसिक प्रोपोर्शन मिलता है, देन हमें अपनी ओर से एक और स्टेप लेना है जहां पोर्ट्रेट इजी हो सके और सही हो सके। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी एंड इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल बिगनर्स हु वांट टू लर्न टू पोर्ट्रेट। देखिए, हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, उस वक्त हमारा माइंड उसे बहुत डिटेल में लेता है। मान लीजिए हम एक आउटडोर लैंडस्केप बना रहे हैं, तो यहाँ हमको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, क्यों? क्योंकि यहाँ हमको बहुत सारे लाइन हमको दिख रहा है। लेकिन जब हम पोर्ट्रेट स्टडी करते हैं, तब हमारा माइंड पोर्ट्रेट का लाइन को उस तरह से मार्क नहीं कर पाता जैसे लैंडस्केप को करता है। लेकिन यहाँ हम पोर्ट्रेट को भी ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे हम लैंडस्केप को देखते हैं। अगर मैं अपनी बात को सिंपल तरीके से कहूँ, तो पोर्ट्रेट में जो लाइन होता है डिटेल में और राउंड शेप में, हम वैसे पेंसिल को नहीं चलाएंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है ना, ठीक हम वैसे ही पेंसिल को चलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम ड्राइंग शुरू करते हैं। हम जब किसी पोर्ट्रेट को स्टडी करते हैं, तो ज़्यादातर हम ऐसे राउंड शेप में देखते हैं, लेकिन यहाँ हम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। देखिए, मैं पोर्ट्रेट को किस तरह से मार्क कर रहा हूँ, जैसे कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक हल्का सा लाइन लेता हूँ, और ये जो लाइन है राइट साइड में थोड़ा झुका हुआ है, वो मैंने ऐसा क्यों लिया? देखिए, मैं पोर्ट्रेट को फिर से मार्क कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट का जो राइट साइड का आँखें है वो थोड़ा झुका हुआ है, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि पोर्ट्रेट का जो सेंटर लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है। इसी वजह से राइट साइड का आईज, आईब्रो, नोज, माउथ, हर एक चीज़ झुका हुआ है। यही तो लूमिस मेथड का प्रॉपर यूज है, ताकि पोर्ट्रेट बनाने के बाद हमें प्रोपोर्शन में कोई गलती ना आए। वीडियो को स्किप किए बगैर आप थोड़ा ध्यान से देखिए मैं किस तरह से पोर्ट्रेट को मार्क कर रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर सिर्फ पोर्ट्रेट के आँखों को मैं मार कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में, और जो फॉर्म हमको मिलता है उसे हम ड्राइंग में अप्लाई करेंगे। और पोर्ट्रेट की हर एक लाइन को हम इसी तरह से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
Thank you.